सिपाही के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे, 9 राज्यों से 247 लोग हिरासत में। दिल्ली के जामिया में धारा 144 लागू। नमस्कार, मैं रंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यूमीडिया न्यूज़। मंगलवार को एक बार फिर से राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के निर्देश पर देश की दूसरी एजेंसियों ने टेरर फंडिंग पर शिकंजा कसते हुए दिल्ली समेत 8 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। छापेमारी के दौरान अभी तक 150 से अधिक PFI के सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताते चले कि दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में फिलहाल छापेमारी जारी है। जानकारी मिली थी कि PFI हिंसक प्रदर्शनों की योजना बना रही है, जिसके बाद छापे मारे गए। जानकारी मिली है कि एक खुफिया नोट मिलने के बाद यह पूरी कार्रवाई की गई है। इस नोट से पता चला कि PFI सरकारी एजेंसियों, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक के नेताओं और संगठनों को निशाना बनाने की योजना बना रही। वहीं PFI कार्यकर्ता उनके वरिष्ठ नेताओं को नई दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में रखे जाने से नाराज है। बीते कुछ दिनों पहले भी जांच एजेंसियों ने पुलिस के साथ मिलकर PFI के देश भर में कई ठिकानों पर रेड मारी, जिसके बाद PFI के कार्यकर्ताओं ने केरल में हिंसक प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन्होंने केरल में RSS के कार्यकाल को भी निशाना बनाया। बताते चले, केंद्रीय एजेंसी और दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन शाहीन बाग में PFI से जुड़े स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने 30 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू की। उत्तर प्रदेश से भी UP ATS और UP STF ने PFI के कई ठिकानों पर छापेमारी और कई लोगों को हिरासत में भी लिया।